कहाँ जा रहे हैं पक्षी जी? कंपनी के कार्यालय पर ढावा बोले हमला करने। बड़ंबर ईस्टर्न कंपनी के बीच जो संधि पत्र है उसे खोज कर निकाल कर उसे नष्ट करने जा रहा हूँ। ये क्या करियो कल्याणी, मुझे जाने दो। सिर्फ एक संधि पत्र के लिए अपनी जान खतरे में डाल देंगे? जीवन के हर सफर में एक दूसरे का साथ देने का वचन लिया था ना बक्सी जी, तो आपने ये इससे कैसे मान लिया कि कल्याणी के बगैर अकेले ही लड़ लेंगे दुश्मनों से? बक्सी जी मैं जानती हूँ आपने जो कुछ भी किया मेरी खुशी के लिए किया, लेकिन आपकी जान इस तरह खतरे में डालकर आप मुझसे मेरी सबसे बड़ी खुशी नहीं छीन सकते। हाँ मुझे इतनी बड़ी बात से बेखबर रखा गया, मुझे धक्का जरूर लगा, लेकिन आपने कुछ गलत तो नहीं किया ना? बल्कि मेरी खुशी बचाए रखने के लिए आप सारी लड़ाई अकेले ही लड़ रहे थे। मुझे तो पता ही नहीं था कि हम कब हारे और कब जीते। मोहन को सुरक्षित वापस लाकर आपने मुझे दिखा दिया बक्सी जी आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। कल्याणी मैं नहीं जानता था कि सब जानने के बाद तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होगी। मुझे लगा था कि तुम हमारी शादी पर सवाल उठाओगे या फिर शायद मुझे छोड़ के चली जाओगे। सोच के मैं डर गया था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा तुमसे। अक्षय जी किसी की खुशी के लिए डरा हुआ इंसान कमजोर नहीं होता। आप मेरा अभिमान है, मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आपके हर फैसले पर मुझे इतना विश्वास है कि कल अगर किसी कारण के लिए आपने मुझे जान से भी कभी दोबारा ऐसी बात मुझसे मत निकालना, कभी नहीं। लेकिन इस संधि को खारिज करना बहुत जरूरी है कल्याणी, और ये कंपनी पर थावा बोलने के बाद ही संभव है। यही एक तरीका है कल्याणी। एक और तरीका है बक्सी जी। कौन सा? आप मुझे पूरी ले जाना चाहते थे ना? जब एक तीर से दो शिकार हो सकते हैं तो फिर हमारा निशाना सिर्फ संधि पत्र पे क्यों? पूरे कलिंग को फिरंगियों से आजाद करने पर क्यों नहीं? बक्सी जी हम पूरी जाएंगे, महाराज की मदद लेंगे, सिर्फ कार्यालय पर हमला नहीं, फिरंगियों को बाहर निकाल फेंकने के लिए एक सोचे समझे विद्रोह की तैयारी करेंगे। एक ऐसा विद्रोह जिससे कलिंग से हर फिरंगी का नामो निशान मिट जाएगा। जल्दी आ रहे, जल्दी रुक, जल्दी क्या कर रहे, जल्दी आ रहे, जल्दी रुक जा, अरे जग्गी लग जाएगी। जग्गी अरे बस कर, क्या कर रहा है ये लड़का भी ना, खुद को बख्शी जगबंधु जी समझकर यहाँ वहां तलवारबाजी करता रहता है। देखना माँ मैं इस पत्र को कितनी दूर फेंकूंगा, तब पता चलेगा आपको कि मेरे अंदर एकदम जगबंधु जी जैसी ताकत है। हाँ से लगा था, मैंने जानबूझ कर नहीं किया। और ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो, आपको क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? मैं किसी से नहीं डरता। अरे चुप, क्या कर रहा है? अब तुम्हारे किए की सजा पूरे गांव को भुगतनी पड़ेगी। क्या हुआ? तुम ठीक हो? बक्सी जी मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी भी खत्म हो गया। बस पूरी पहुंचने ही वाले हैं। अच्छा ठीक है, तुम रुको मैं पानी लेकर आता हूँ। बक्सी जी मैं भी साथ चलूंगी। अरे मैं बस पानी लेकर। भूल गए बक्सी जी,
साथी हूँ आपकी, हर वक्त हर कदम पर साथ दूंगी। आज्ञा। फिरंगियों के अफसर रसल का काम है आज्ञा। रसल को गलती से शंकर के बेटे का फेंका हुआ पत्थर जाल लगा और वॉरेन ने गुस्से में आकर पूरे गांव वालों को दंडित किया और इनकी ये हालत कर दी। बच्चे के पत्थर फेंकने की गलती की इतनी बड़ी सजा कि उसके पिता की हत्या कर दी। इतने मासूमों की जान ले ली, ये कहां का न्याय है? क्यों किया उस फिरंगियों ने ऐसा, क्यों किया? जगदीश कहता है कि एक दिन बड़ा होकर बॉक्सिंग जगबंधु जी जैसे ही बनूंगा। अपने गुस्से पर काबू रखिए बक्सी जी, जो हो गया उसे हम बदल तो नहीं सकते ना, लेकिन उन फिरंगियों को ये जरूर दिखा सकते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। बक्सेंगे नहीं उन्हें। ये तो परंपरा है, इसका पति नहीं रहा, विधवा हो गई बेचारी, ये तो करना ही पड़ेगा। पहले ही अपने पति को खो चुकी है ये, अब क्या अपना आत्मसम्मान भी खोएंगी? कैसी परंपरा है ये, आप इनका अपमान नहीं कर सकते। कल्याणी जी, इसमें अपमान की क्या बात है, ये प्रथा तो सदियों से चली आ रही है, हर विधवा को इस प्रथा से गुजरना पड़ता है। तो फिर इस प्रथा को बदलना होगा, बजाय इसके कि हम फिरंगियों की मनमानी के खिलाफ लड़े, फिरंगियों से आजादी लेकर हम करेंगे क्या? अगर आज भी हम इन रीति रिवाजों में परंपराओं में उलझ के रह जाएंगे, हमें एक साथ मिलकर इन शर्मनाक परंपराओं को नकारना होगा। जो औरत के अस्तित्व को झंझोर के रख देती है, मौत के दुख में डूबी हुई पत्नी को और अपमानित करती है। छी। अगर बांटना ही है तो इनका और इन जैसी औरतों का दुख बांटिए, ताकि प्रथा के नाम पर इनके मान सम्मान को ही बांट दिया जाए। आज से मेरा आदेश है कि कोई भी पत्नी अपने पति के मौत पर इन पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं को किसी भी रूप में स्वीकारेगी नहीं। के पति की हत्या का बदला लिया जाएगा, मैं आपसे वादा करती हूं। जगेश, जगेश, बच्चा कहाँ है मेरा? जगेश, 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 जगेश। बक्सी जी की कोई खबर, कोई संदेश आया क्या उनका? कल्याणी को जमाई जी के साथ ना भेजती तो इस तरह तनाव का शिकार नहीं होती तुम। कम से कम बीता समय उठा के देख लेती, जब जब कल्याणी और जमाई जी किसी परिस्थिति को संभालने एक साथ गए हैं, वो दोनों एक दूसरे के और करीब ही आए, तो इस बार क्या अलग हो जाता? वही होगा ना जो हमेशा से होता आया है। जो भी हो, मुझे उसकी परवाह नहीं, क्योंकि कल्याणी के लिए ईर्ष्या से कहीं ज्यादा
मेरे दिल में बक्सी जी के लिए प्यार भरा है। काश जमाई जी के दिल में भी तुम्हारे लिए उतना ही प्रेम होता तो कम से कम इस तरह परेशान तो नहीं घूम रही होती। चलो प्रेम ना सही, तुम्हारी चिंता होती, एक संदेश तो भेज देते कि वो वहां सही है कि नहीं। लेकिन नहीं, वहां वो कल्याणी के साथ। बस माँ, उन्हें क्या करना चाहिए था क्या नहीं है उनकी मर्जी। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैंने जो किया बिल्कुल सही किया, चाहे वो आपको सही लगे या नहीं। तुम मानो या ना मानो, तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारी माँ जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। जगेश, 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 जगेश। आओ, बाहर आओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। आप लोग मुझे वो लाल कपड़े वालों के पास ले जाएंगे और वो भी मुझे सजा देंगे पापा की तरह। तुम्हें कोई कहीं नहीं लेकर जाएगा। देखो, तुम्हारी माँ भी तुम्हें ढूंढ रही है। देखो, मैं जगबंधु हूँ, रोड़ंग का बक्सी। आओ, बाहर आओ। आप कैसे जगबंधु जी हो सकते हैं? वो तो बहुत बड़े योद्धा है और बहुत बहादुर भी है। अगर वो यहाँ होते तो मेरे पापा को आज कोई कुछ नहीं कर पाता। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो जगेश, अगर वो तब यहाँ होते तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अब वो आ गया है ना, अब वो कुछ नहीं होने देंगे। आओ बाहर आओ, आओ बाहर आओ। देखो, जगबंधु जी को पता था तुम यहाँ छिपे हुए हो, इसीलिए तो वो आए यहाँ पर। और उन्हें ये भी पता है कि तुम्हें बहुत भूख लगी हो, लगी है ना, है ना? तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भी लाए हैं, ये देखो। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे बाबा की बहुत याद आ रही है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बाबा की बहुत याद आ रही होगी, लेकिन जगेश अब हम दोनों हैं ना तुम्हारे साथ। अब न्याय सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे पूरे गांव के साथ होगा। कल्याणी, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं पूरी जाऊंगा और गजपति महाराज से मिलूंगा, फिरंगियों के खिलाफ विद्रोह छेड़ने की बात करूंगा। समय आ गया है बदलाव सिर्फ बातों से नहीं, हाथ में शस्त्र उठाकर लाना होगा। अन्याय के खिलाफ विद्रोही बनना ही पड़ेगा। यही तो मैं चाहता हूं कि यहां के लोगों के अंदर इतना डर भर जाए कि इसका असर पूरे ओडिशा में दिखाई दे। तब जाकर जगबंधु को पता चलेगा कि हमसे टकराने का अंजाम क्या होता है। लगता है जगबंधु की बहुत याद आ रही है आपको। तुम? मुझे लगा तुमने अपने भाई के साथ हाथ मिला लिया है मेरे खिलाफ। कभी नहीं, क्योंकि वो मेरा भाई नहीं है, दुश्मन है, जैसे आपका दुश्मन। यहाँ क्यों आया? एक काम है आपसे। मैं क्यों कुछ करूंगा तुम्हारे लिए? क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी खबर है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। मुझे पता लगा है जगबंधु और कल्याणी पूरी गए हैं महाराज मुकुंद से मिलने, ताकि उनसे कंपनी के खिलाफ विद्रोह के लिए अनुमति ले सके।
मैं चाहता हूँ आप महाराज से मिलें और उन्हें इस बात पर सहमति देने से रोकें। बक्सी जगबंधु को ना ही राजा का साथ मिलना चाहिए ना ही उसकी प्रजा का। मैं उसे अपमानित होते हुए देखना चाहता हूँ, उसे टूटते हुए देखना चाहता हूँ, उसका मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा सब कुछ छलनी होते हुए देखना चाहता हूँ। गुड, महाराज हमारी मुट्ठी में होंगे और पुअर जगबंधु अकेला रह जाएगा। गुड। और हाँ, मैं जानता हूं आप लोग मुझे सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते थे मोहन के अपहरण के लिए, और आप चाहते थे मेरे हाथों जगबंधु जी मारे जाएं। और जिस रोडम को पाने के लिए मैंने वो सब करना भी मंजूर कर लिया, वो मुझे मिले या ना मिले उसकी कोई परवाह नहीं थी आपको। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मेरी पीठ पर वार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मिस्टर वॉल, ऐसा क्या है? अब इतनी आसानी से कैसे बता दूं? जैसा कहा है वैसा ही कीजिए, सही समय पर सब पता चल जाएगा। जल्द मिलना होगा। आइए जगबंधु जी, आइए, स्वागत है आपका। जी, मैं महाराज से मिलने आया था। मुझे महाराज वहां सुरक्षित पहुंच गए हैं, उन्होंने कहा आपको सूचित कर दिया जाए। जी, महाराज नहीं है यहाँ, मुझे महाराज से मिलना बहुत जरूरी है। महाराज मुकुंद तो पड़ोसी राज्य के एक वार्षिक सम्मेलन में गए, आप कहिए आपका कैसे आना हुआ? मैं चाहता हूँ कंपनी के खिलाफ जो विद्रोह में आरंभ करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ वो मेरी मदद करे उसमें। विद्रोह? जी, पर अचानक। कंपनी का एक ऑफिसर है वॉरन, उसने बड़ी क्रूरता से पुरी के पास जो एक गांव है वहां निर्दोष गांव वालों को। वेल वेल वेल, अपनी तारीफ सुनकर अच्छा लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे महाराज के दरबार में आने की? रिलैक्स, बक्सी जी इसे नीचे कीजिए, मैं भी आप ही की तरह अपने दोस्त महाराज मुकुंद के लिए संदेशा लाया हूँ। हमारे महाराज को अपने जैसे इंसान का दोस्त कैसे कह सकते हो तुम? क्योंकि हमारी दोस्ती होने वाली है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराज मुकुंद को जगन्नाथ मंदिर का सुपरिटेंडेंट बनाने का निर्णय लिया है। ये प्रमोशन लेटर साइन करते ही वो जगन्नाथ मंदिर के प्रमुख बन जाएंगे और हमारी दोस्ती हो जाएगी। Excuse me. जितनी जल्दी हो सके ये महाराज तक पहुंचा दीजिए और उन्हें कहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से एक छोटी सी भेंट है। जगन्नाथ मंदिर के सुपरिटेंडेंट बनने के बाद वो अपने दरबार में सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकेंगे, पंचायत बिठा सकेंगे, लोगों की मदद कर सकेंगे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। वो हर चीज कर सकते हैं जो वो अब तक नहीं कर पा रहे थे। सब कुछ लिखा है इस लेटर में। नहीं मुंशी जी, ये पत्र महाराज तक नहीं पहुंचना चाहिए, बल्कि उन्हें सूचना भेजिए कैसे इस वॉरन ने पास के गांव में निर्दोष लोगों की हत्या कर दी, कैसे इस वॉरन के हाथ मासूम लोगों के खून से रंगे हुए हैं और उन्हीं हाथों से ये महाराज को मंदिर का अधिपति होने का न्योता भेज रहा है। ये सूचना जरूर भेजिएगा उन्हें। ठीक है, सब कुछ बता देना, सब कुछ बता देना जो भी इन्होंने कहा है, लेकिन साथ साथ उन्हें ये भी बताइएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का उसूल क्या है, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ देता है उसका दोस्त बनता है, कंपनी उसका पूरा ख्याल रखती है, और जो नहीं देता है उनका क्या हाल होता है वो जगबंधु जी के गांव वालों की खबर सुनकर उन्हें पता चल ही जाएगा। और फैसला महाराज को लेना है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ देकर इज्जत से रहना चाहते हैं या फिर जगबंधु के सो कॉल्ड विद्रोह में शामिल होकर अपनी इज्जत और गांव वालों की जान गंवाना चाहते हैं। चला दीजिए इसे, अभी चला दीजिए। जब महाराज को पता लगा कि वॉरन ने कैसे निर्दोष लोगों की हत्या कर दी तो स्वयं विद्रोह का हिस्सा बनेंगे, सबसे पहले होंगे इस विद्रोह में। नहीं जगबंधु जी, मैं आपका ये काम नहीं कर सकता। वॉरन अगर गलत भी है तो भी ये पदोन्नति का पत्र महाराज तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो महाराज स्वयं ले लेंगे।
सकती। मुंशी जी क्षमा कर दीजिए मुझे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।